नमस्ते चित्तौड़गढ़, नमस्कार महोदय। मैं राम सिंह राणावत चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हूं। महाराणा प्रताप की नगरी चित्तौड़गढ़ में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मेरा क्वेश्चन, जब आप मिशन शक्ति जब आप मिशन शक्ति की घोषणा कर रहे थे तो हम इस तकनीकी के बारे में नहीं जानते थे। बाद में हमें पता चला ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कांग्रेस सरकार इसको इसकी आलोचना कर रही है, कह रही है कि ये इससे शक्ति तो हमारे पास पहले ही थी और इसको इतना नहीं बताना चाहिए था। थैंक यू। मैं जितना आपका सवाल समझ पाया, मूल आपका गुस्सा कांग्रेस के प्रति है। देखिए, बात सही है कि ये मिशन शक्ति अभी भी हमारे देश के, और एक तो चुनाव की गर्मी में बहुत ही अच्छी चीजें चुनाव के चश्मों से ही देखी जाती है, तब जो गड़बड़ हो जाती है, इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वो सिद्धि हासिल की है, हर हिंदुस्तानी इसके लिए गर्व करेगा। दुनिया में हमारे पहले ये काम तीन देशों ने किया है, हम चौथे नंबर पे हैं, अमेरिका, रशिया और चीन। अब इसकी बारीकी देखिए, इसकी बारीकी देखिए। हिंदुस्तान से एक मिसाइल निकलती है, 3 मिनट में जाकर के अंतरिक्ष में करीब 300 किलोमीटर दूरी पर एक जीवित सैटेलाइट है जो खुद भी भ्रमण कर रहा है, उसको जाकर के मार गिराता है। अब इसकी बारीकी देखिए, जो सैटेलाइट था वो करीब 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर का था, और 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर का इतना छोटा सा सैटेलाइट, उसकी स्पीड थी 1 सेकंड की 10 किलोमीटर की, 1 सेकंड की 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था। यानी जैसे कि जो पंखी उड़ रहा है मारना है तो उसकी स्पीड भी तो 10 किलोमीटर नहीं होती है। यहां से हमारा जो सैटेलाइट गया, मिसाइल गई, उस मिसाइल की स्पीड भी करीब उसी के बराबर 1 सेकंड की 10 किलोमीटर की वहां पहुंचने के बाद। वो यहां से सैटेलाइट आ रहा था, ये यहां से जा रही थी, और ये सारी प्रक्रिया यहां से उसका निकलना और वहां सैटेलाइट से को खत्म करना, ये सारी क्रिया 3 मिनट में हुई। और आप हैरान हो गए जानकर के, जो 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर का जो सेंटर पॉइंट था, इससे मुश्किल से 2-3 सेंटीमीटर साइड में, ये बीच में बिल्कुल बीच में जाकर के इसने वार किया और उस सैटेलाइट को उसने तोड़ दिया, खत्म कर दिया। ये क्यों, क्या है ताकत? आज जो भी, अब जैसे मैं ये टेक्नोलॉजी से सबसे बात कर रहा हूं, उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा रोल है, अंतरिक्ष का रोल है, इसमें सैटेलाइट का रोल है। आप घर में टीवी देखते हैं, सैटेलाइट का, मोबाइल फोन से बात करते हैं, सैटेलाइट का रोल है। अब भविष्य में दुनिया में वो ताकत जरूरी बन गई है कि कोई अगर मान लीजिए अपनी ताकत से हमारा एक महत्वपूर्ण सैटेलाइट गिरा दे तो हमारा तो देश ठप हो जाएगा, हमारे विमान नहीं उड़ेंगे, हमारी ट्रेन नहीं चलेगी, हमारा मोबाइल नहीं चलेगा, सब बंद हो सकता है, इतनी ताकत है। अब मुझे बताइए, क्या हिंदुस्तान ने इस चीज के लिए इंतजार करना चाहिए? हमारे साइंटिस्टों को भरोसा है, ज्ञान है, तो किसी ने हिम्मत करके निर्णय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमने किया। दूसरी बात है, एक बुद्धिमान नेता कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ी सीक्रेट चीज है, हमारे पास थी लेकिन हमने सीक्रेट रखा था। आपके गले उतरता है बात? गले उतरता है? दूसरी बात है, जब अमेरिका ने डंके की चोट पर किया,
चीन ने डंके की चोट पर किया, रशिया ने डंके की चोट पर किया, तो हमने गुपचुप गुपचुप करने क्या जरूरत है। अच्छा, इनको साबुन का उपयोग करना चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति को साबुन का उपयोग करना चाहिए, सामू यानी सामान्य बुद्धि। आज विश्व में अंतरिक्ष में आप कुछ भी करें, दुनिया इसको रिकॉर्ड कर सकती है, दुनिया उसको आसानी से देख सकती है, उसके लिए कोई स्पाईगिरी करने की जरूरत नहीं, वो नेचुरल प्रक्रिया है। क्या ये छुपा रहने वाला था क्या? अच्छा, आप टेस्ट न करो और कहते रहो मेरे में ताकत है तो पता कैसे चलेगा भाई? टेस्ट करना ही पड़ता है। अगर यही सच है तो हमने पोखरण एक पोखरण दो क्यों किया, करने के तुरंत बाद दुनिया को क्यों बताया? दुनिया को आपकी शक्ति का परिचय होना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन इसके साथ हमने ये भी कहा कि हमने ये किसी दुश्मन देश के लिए बनाया नहीं है, ये हमने हमारी रक्षा के लिए टेक्नोलॉजी को विकसित किया और हम आगे भी करेंगे। और इसलिए ये शक्ति मिशन भारत के लिए एक बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। लेकिन चूंकि मोदी प्रधानमंत्री है, इसके कालखंड में हो रहा है, तो कुछ लोगों की नींद उड़ जाती है। क्या करें भाई, इसका क्या उपाय है?